उफ, पता नहीं क्या कर रही है यार कम्युनिटी, मैथ्स ही नहीं है अच्छे। हे गाइस, कैसे हो यार? पहचाना मुझे? चश्मिस दादा। सो क्वेश्चंस यार, आपको अगर मिथ्स देने हैं और आरएस क्लैश आपके मिथ्स को पैक करे, उसके लिए जरूरी है कुछ बातें, पता है क्या? इधर आओ यार, आपको मिथ्स ना ऐसे देने हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ना उसमें कुछ न्यू देखने को मिले, तो ही आरएस क्लास पिक करेगा। मुझे पता है सीक्रेट, मानना है तो मानो, नहीं तो फिर इट्स ओके। सो क्वेश्चंस, आज हम लोग फिर से हाजिर है एक न्यू मिथ्स के वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपको भी मिथ्स देना है तो आप लोग कुछ न्यू इंटरेस्टिंग मिथ्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ताकि मैं आप ही के मिथ्स को पिक आउट करूं, और आपका भी मिथ्स पिक हो तो हम लोग के चैनल में फीचर्स होंगे, आप लोग भी। तो क्वेश्चंस, वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उसके पहले यार, वीडियो का एक छोटा सा लाइक एम रखते हैं, 5000 लाइक का आप लोग कंप्लीट कर देना। नंबर वन, बैट स्पेल से हम लोग सीसी बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या रियली में? चलिए यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो इस जगह हम लोग कुछ बैट स्पेल ले लेते हैं, तो ये रहा हम लोग का बैट स्पेल, और चलते हैं हम लोग अटैक्स के लिए। सो सीसी यहाँ पे सेंटर्ड में हम लोग बैट स्पेल को रिलीज़ करते हैं, एंड बैट स्पेल रिलीज़ करने के बाद कोई भी सीसी बाहर नहीं निकल रहा है, हेंस द मिथ इज बर्स्टेड। मैथ्स नंबर टू, सीसी वाले विच के स्केल्टन्स पे सीसी का लोगो बना होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो हम लोग इस जगह अटैक पे क्लिक करते हैं, पहले एडिट आर्मी में जाके कुछ आर्मी चेंज कर लेते हैं, हॉग राइडर्स बेस्ट होगा, एंड चलते हैं अटैक्स के लिए। सो यहाँ पे सीसी में विच है, तो जल्दी से हम लोग पहले विच को बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए हॉग रेडर्स को रिलीज़ करते हैं। हॉग रेडर्स विच को बाहर निकाल सकता है, और आ चुका है सीसी का विच से स्केल्टन्स निकल चुके हैं, और उसमें सीसी का लोगो बना हुआ है भाई, हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। मिथ्स नंबर थ्री, हेड हंटर्स वार्डन पे अटैक नहीं करता है, क्या रियली में? चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके पहले गाइज, मैं आप लोग को बता दूँ, हेड हंटर्स सिर्फ एंड सिर्फ हीरोज़ पे ही सबसे पहले टारगेट लेकर के अटैक्स करते हैं, क्या यहाँ पे हेड हंटर्स वार्डन को टारगेट करेंगे? चलिए यहाँ पे हम लोग पता लगाते हैं। फिलहाल हम लोग कुछ जाइंट्स को रिलीज़ कर चुके हैं, हेड हंटर्स को पीछे से रिलीज़ करते हैं, और हेड हंटर्स यहाँ पे वार्डन को टारगेट नहीं ले रहा है और रोटेट कर चुका है, हेंस द मैथ इज कन्फर्म्ड। मैथ्स नंबर फोर, बेबी ड्रैगन जब अकेले होती है या फिर हम लोग उस पर रेड स्पेल डाल देते हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, क्या लिटरली में? चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखने के लिए एक अटैक करेंगे, और इस अटैक में सबसे पहले हम लोग एक बेबी ड्रैगन को रिलीज़ करेंगे, और इस बेबी ड्रैगन से हम लोग पहले स्टोरेज यानी तो फिर कलेक्टर्स पे देखेंगे कितने गोले में ये उड़ाती है। सो रिलीज़ करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 एग्जैक्ट में उड़ा चुकी हैं। अब हम लोग इसे एंड करते हैं और दूसरा बैटल स्टार्ट करते हैं, और दूसरे बैटल में इस जगह हम लोग अब रेस्पेल पे ड्रॉप करेंगे बेबी ड्रैगन को। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कॉर्नर ढूंढते हैं जहाँ पे अटैक्स ना हो बेबी ड्रैगन पे, तो इस बेसिस में लगभग सभी कॉर्नर्स पे अटैक नहीं होगा, इस जगह नहीं होगा। सो इस जगह मैं रेस्पेल ड्रॉप करता हूँ, रेस्पेल पे बेबी ड्रैगन ड्रॉप करता हूँ, 1 2 3, 3 ड्रॉप में उड़ा चुकी हैं, यानी इसका मतलब रेज में भी ज़्यादा रेज हो जाती है बेबी ड्रैगन, हेंस द मिथ इज बर्स्टेड, बेबी ड्रैगन्स रेज हो जाती हैं। मिथ्स नंबर 5, इफ सम क्लैन इनविटेशन आर देयर एंड यू चेंज योर क्लैन, देन इनविटेशन विल डिसअपीयर। हम लोग के पास यहाँ पे अभी कुछ क्लैन इनविटेशन आया हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम लोग अपना क्लैन इनविटेशन को चेंज करने के लिए ये ट्रिक्स को आजमाते हैं, ठीक है? तो इस जगह सबसे पहले हम लोग किसी क्लैन में ज्वाइन करते हैं, यानी किसी एक क्लैन को यहाँ पे ज्वाइन ही कर लेते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग इस क्लैन को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद लिटरली में सारे के सारे इन्विटेशन गायब से हो गए हैं इस क्लैन को ज्वाइन करने के बाद, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ्स नंबर 6, यू कैन नाउ सी द वॉर अटैक रिप्ले इन 4x स्पीड, देन एक्सबोज आर फायर स्लो मोशन, क्या रियली में? एक्सबोज का जो अटैकिंग होता है वो स्लो मोशन में दिखता है 4x स्पीड में? चलिए यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली करके ही देखते हैं। तो हम लोगों ने 4x स्पीड किया है,
और एक्सबोज यहाँ टारगेट ले चुके हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 4x स्पीड में ना थोड़ा स्लो यहाँ पे छोड़ रहे हैं। 1x और 4x में कुछ ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं दिख रहा था उनके एरो में, तो मेरे हिसाब से हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ्स नंबर 7, क्लोन स्पेल डज नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रो ड्रैगन। क्या रियली में क्लोन स्पेल इलेक्ट्रो ड्रैगन पे वर्क नहीं करता? तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रो ड्रैगन की स्पेस देखेंगे तो इलेक्ट्रो ड्रैगन का स्पेस है इस जगह 30 एंड क्लोन स्पेल का अगर हम लोग स्पेस देखेंगे तो क्लोन स्पेल का स्पेस है यहाँ पे 33 क्लोन करने का एबिलिटी, वो भी मैक्स्ड का। अगर मैक्स्ड नहीं रहेगा तो शायद ये काम नहीं करेगा। हालांकि ये चीज़ क्लोन्ड हो जाना चाहिए, अगर आप लोग के पास मैक्स्ड क्लोन स्पेल है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं क्लोन इलेक्ट्रो ड्रैगन को भी। हेंस द मिथ इज बर्स्टेड। मिथ्स नंबर 8, विजर्ड मूविंग टारगेट को अटैक नहीं करता है। क्या लिटरली सही बात है क्या ये? चलिए हम लोग पता लगाते हैं। ओके, सो एडिट आर्मी पे क्लिक करते हैं, हम लोग कुछ विजर्ड्स को ट्रेंड कर लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे विजर्ड्स हम लोगों ने ट्रेंड कर रखा है और यहाँ पे कुछ आर्चर्स के साथ हम लोग चलिए अटैक्स करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीसी ट्रूप्स को बाहर निकालेंगे, तो कुछ हॉक्स के साथ हम लोग सीसी ट्रूप्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं एंड सीसी ट्रूप्स बाहर निकल चुका है और इस जगह हम लोग अब यहाँ पे लून्स को बुला लेते हैं। ओके, फिलहाल लून्स आ रही हैं, हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे हॉग रेडर्स को हम लोग डिप्लॉय करते हैं और विजिट्स को ड्रॉप करते हैं। ओके, यस, यहाँ पे शॉट मिस हो चुका है, दूसरा शॉट भी मिस हो चुका है और दो शॉट मिस होने के बाद हमें लग रहा है कि ये लिटरली में मिथ कन्फर्म्ड है, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ्स नंबर 9, ट्रेडर जब भी पॉकेट से कोई आइटम निकालता है तो उसके कैप गायब हो जाती है और उसके बाद जब भी हाथ में कुछ नहीं होता है तो कैप वापस से आ जाता है। क्या लिटरली में यार बिल्डर्स के पास, बिल्डर्स की बात हो रही है, ओके ट्रेडर्स की बात हो रही है, तो ये आ गया अपना आधा अधूरा चांद और ये ट्रेडर्स निकाल ले भाई, कुछ तो निकाल ले झोला से, निकाला यार, बट कोई भी कैप से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो भाई जान यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोग के सामने हो सकता है, जब भी यहाँ पे बिल्डर्स का एनिवर्सरी आता है ना या फिर आई एम रियली सॉरी ट्रेडर्स का एनिवर्सरी, तो उस एनिवर्सरी के समय में ये कैप पहने हुए रहते हैं। यानी उस एनिवर्सरी के समय में अगर हम लोग ये मिथ्स करें तो भले ही आपका मिथ्स कन्फर्म हो सकता है, बट अभी नॉर्मल समय में अगर हम लोग करें तो आपका मिथ बर्स्टेड है, तो हेंस द मिथ इज बर्स्टेड। मिथ्स नंबर 10, इफ यू प्रेस रेड कलर सब्सक्राइब बटन इट विल बिकम्स वाइट। क्या बात है क्लैशर्स, ये चीज़ तो आप लोग मुझे करके बता सकते हो। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो जरूर इस चीज़ को ट्राई करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन क्लैशर्स।